मैं आज काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मुझे लग रहा है। आज का ब्लॉग दोपहर के 3 बजे शूट कर रहा हूँ, अभी धान काटने जाना है खेतों में, तो भूख लग रही है तो पहले नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता तैयार है, यानी कि ये देखो हरी की सब्जी है और मम्मी और मैं जाएंगे हम दोनों। ये मम्मी जाएगी, जल्दी जल्दी झाड़ू लगा रही है ताकि धान जल्दी से कट जाए। दोस्तों गुड आफ्टरनून, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल और मेरे एक और नए ब्लॉग में। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। अभी दोस्तों जल्दी जल्दी खाना खा के खेतों की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये काम भी बहुत जरूरी है। खेतों में धान पक गया है और वो अंधी धान कहते हैं जिसको, भूजा खाते हैं हम लोग। खाना खा लिया है और यहाँ पे मम्मी बर्तन साफ कर रही है, तो बर्तन साफ करने के बाद हम खेतों में जाएंगे। हमारे यहाँ क्या होता है दोस्तों, हमारे यहाँ 3 टाइम पे खाना खाया जाता है और नाश्ता का तो सिर्फ नाम होता है, पेट भर के ही खाना खाते हैं हमारे यहाँ। और जैसे हम कहीं बाहर शहरों में जाते हैं ना, तो वहाँ पे 1-2 पराठे दे देते हैं, तो उनसे तो हमारा कुछ होता ही नहीं है। तो हमें तो भरपेट खाना खाने की आदत हो गई है और फिर पूरा दिन काम भी तो करना पड़ता है, तो फिर इसी वजह से शहर वालों को इतना काम छोड़ना पड़ता है। हमको पूरा दिन कहीं खेतों में कहीं काम करना पड़ता है। तो अभी मैं अपने कपड़े चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि ये टी शर्ट में तो हाथ वगैरह फट सकते हैं, क्योंकि धान है और जो औजारों की जरूरत पड़ेगी हमें धान काटने के लिए। तो चलते हैं, सेब खा रहे हैं। ये देखो ठाकुर सेब खा रही है, मेरे को भी दे दो। ठाकुर से पूछते हैं कि खेतों में जाएगी हमारे साथ। जाऊंगी। ये काम चोर है ठाकुर, हमारे साथ जाने को नहीं कह रही है। ये देखो ये काम के नाम से इसकी ना फटान होने लगती है, ये कैसे कर रही है देखो पागल की तरह। तो यहाँ मेरे लिए भी सेब काट के रख रखा था, तो मैं इसको फटाफट खा लेता हूँ, फिर कपड़े पहन के चलता हूँ और दराती वगैरह भी लेनी है हमको। मुझे दे दो। तो गाइस मैंने ये शर्ट पहन ली है, ये रेड वाली, ये पुरानी हो गई थी, तो मैं सोच रहा हूँ इसी का यूज करता हूँ अब। तो गाइस हमने ये हथियार ले लिए, इसको दरातली कहते हैं, और जो पीछे बैकग्राउंड में दिख रही है ना, ये इसको पल्ली कहते हैं। तो इसमें धान काट के लाएंगे, इसके ऊपर डालेंगे। मेरी मम्मी और मैं खेतों के लिए निकल चुके हैं, और ये जो हाथ में दिख रहा है ना, ये टिफिन टाइप का, ये दादी का देना है। तो चलिए और पैदल जा रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं है हमारा खेत, तो पैदल ही जा रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स वहाँ पे जाके आपको दिखाते हैं किस तरह से हम धान काटेंगे। अभी हम आ गए अपने खेतों की तरफ, और ये देखो ये बैकग्राउंड में जो पीला पीला दिख रहा है ना, इसी को अंधी धान कहते हैं। और जो उधर जो दिख रहा होगा आपको ये ग्रीन ग्रीन, तो ये 47 है, और ये जो दिख रहा है ये इसको अंधी कहते हैं। ये खाने में जो मीठा खाना बनता है ना, वो इसी से बनता है, का स्वाद अलग लेवल का होता है। और वीडियो को स्किप मत करना यार दोस्तों, काफी ज्यादा मेहनत करता हूँ, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए आपको कंटिन्यू दिखाते हैं कि किस तरह से धान काटते हैं। आज बस इतना ही धान काटना था, और वो गाय के लिए चारा भी हो जाएगा, और अब बजा कुचा बाद में काट लेंगे। और कटाई भी हो गई और बनाई भी हो गई है, अब घर चलते हैं, और इसकी थुराई करनी बाकी है, और यहाँ से लेके जाएंगे सिर पे उठा के चलते हैं फिर। यहाँ पे मम्मी ने बनाई भी कर दी है, चलिए अब इसको किस तरह से हम सिर पे उठा के लेके जाएंगे दिखाते हैं आपको। तरफ जा रही है धान डालने के लिए, अभी मैं दूसरा गट्ठा तैयार करता हूँ। तो दोस्तों ये वाला भी गट्ठा तैयार हो गया, अब इसको बांधना है, इसको मैं लेके जाऊंगा। और काफी ज्यादा यार गर्मी भी लग रही है, घर जाएंगे और इसकी थुराई भी करनी है, तो ब्लॉक को स्किप मत करना दोस्तों, ब्लॉक को पूरा देखा करो यार, काफी ज्यादा गर्मी लग रही है, प्यास भी लग रही है, बट इधर पानी भी नहीं। मम्मी को भी मैंने बोला नहीं यार कि पानी ले आते, कोई बात नहीं, अब ये सारा काम करने के बाद ही पानी पीएंगे। वीडियो तो देखिए आप, सिर पे रख के गट्ठा घर की तरफ जा रहा हूँ,
और गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है और ये ना सिर पे काफी ज्यादा वजन वाला लग रहा है। और पीछे में वो देखो, पीछे मम्मी भी आ रही है और मैं भी जा रहा हूँ। अब ये धुवाई तो कंप्लीट हो गई है, अभी थुराई रहेगी, अब घर पे जाके थुराई करेंगे हम। ये देखो मेरी मम्मी आ गई। अब ये देखिए हमारी मम्मियां कितनी मेहनत करती हैं, आपको तो पता ही होगा दोस्तों, अगर आपसे गांव से बिलोंग करते हो तो। ये इतना सारा काट लिया है, अब इसकी हमको थुराई करनी है। तो थुराई के लिए कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी, फिलहाल अभी तो कुछ है नहीं दोस्तों। थुराई के लिए कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी तो ऐसे थूरते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरह से थूरेंगे। तो ये तो कटाई हो गई और धुलाई भी हो गई। चलिए अब ये इस अपने जानवरों के घर की तरफ चलते हैं। ये हमारी जानवरों का घर है जो मैंने दिखाया था अपने ब्लॉग में आपको। तो ये जो दिख रहा है ना, ये पहले एक गाय हमारी और थी, अभी दो बची हैं, उसका स्वर्गलोक हो गया एक का, उसका नाम बुधिया था। तो इसका जुगाड़ करेंगे, इसको वहाँ पे लेके जाएंगे थूरने के लिए। तो अभी वो तो है नहीं, उसका काफी ज्यादा दुख है, और जो थूरने के बाद वो सब चारा बन जाएगा तो वो हम अपनी गाय को खिला देंगे। तो वहाँ पे भी गाय है, तो जब इंसान दिन में 3 बार खाना खा सकता है तो जानवरों को भी तो देखना पड़ता है, उनके अंदर भी तो जान होती है दोस्तों। यहाँ ठाकुर आ चुकी है मम्मी के लिए पानी लेने के लिए, और मेरे लिए भी ले आना एक गिलास, ठीक है। मम्मी ने पानी पी लिया है, अभी ठाकुर मेरे लिए पानी लेने गई है, तो अब वो आ रही है। ये ठाकुर आ गई पानी लेने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों गर्मी बहुत ज्यादा है, गला बिल्कुल सूख गया था। चलिए अब थुराई करते हैं फटाफट से। ब्लॉग को स्किप मत करना दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है पूरा देखना। तो दोस्तों ये तो हमसे हिल भी नहीं रहा है, मम्मी और हम दो लोग हैं, इतना तो हमारा वजन भी नहीं है और ये काफी ज्यादा भारी है। तो अभी दूसरा जुगाड़ करते हैं। तो चलिए अब कमरे की तरफ जाते हैं। तो मेरे रूम में एक स्टूल थी, वो भी मैं स्टूल बाहर लेके आ गया हूँ। तो गाइस ये देखो, ये स्टूल है और ये हमारा स्टील का ये वो हो गया, ला हो गया। तो इसकी सहायता से हम अब थुराई करेंगे। चलिए दिखाते हैं आपको किस तरह से हम थुराई करते हैं फटाफट से। चलिए फ्रेंड्स थुराई स्टार्ट करते हैं। और ये जो बैकग्राउंड में घर दिख रहा है ना, ये मेरा घर नहीं है, ये मेरे दादाजी का घर है, वो रेलवे में जॉब करते हैं। तो अभी थोड़ा बहुत आराम में काम ले लेते हैं। कंप्लीट हो चुका है और उनके जो दाना था वो अलग कर लिया है, और जो बचा पुता हिस्सा है उसका गाय माता के लिए चारा बनाएंगे। और आज ब्लॉग को एंड करने का टाइम हो गया है। तो ये मेरी लाइफ स्टाइल ब्लॉग है, कुछ इस तरह से मेरी जिंदगी गुजर रही है इस दौर पे। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अपना ख्याल रखना, बाय बाय दोस्तों।